दोस्तों पर अगर हम आज हमारे इलाके में बारिश हुई है, मुझे लगता है कि फिर शायद बारिश आए और मौसम कुछ बेहतर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में। दोस्तों आज मैं अपने परिंदों की आपको अपडेट दे देता हूँ। नशा से बच्चा ग्रोथ कर रहा है, कहाँ है बच्चा? के पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, बड़ा हो रहा है। बस ये बड़ा हो जाए फिर तीनों कबूतरों को हम छोड़ देंगे, जैसे मैंने आपको बोला था। अच्छा, आज हमारे इलाके में बारिश हुई है लेकिन गर्मी फिर भी कम नहीं हुई। हफ्स हो गया, मुझे अभी पसीने आना शुरू हो गए, बहुत हफ्स होना से हो रहा है। बस हवा चली गई नहीं जरा सीधी और दूसरे के अंदर भी तो और मुझे हफ्स लग रहा है। बाहर फिर भी हल्की हल्की हवा चली है, गर्मी के हफ्स का महसूस हो रहा है। हर पेरोट अभी अंदर बैठ ही दे रहे, मेरे ख्याल से अंडे ख़राब हो गए। अगर अंडे ख़राब हो जाते ये बाहर फेंक देते। हमारी फिंचेस के बच्चे चेक कर लेता हूँ, ये निकल गए या मर गए। लेकिन दोस्तों एक और एक बैड न्यूज़, फिर हमारी फिंचेस के तीन बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा मर गया और वो बड़ा भी हो गया था। ये देखें, ये मैं निकाल के रख दिया। ये है दोस्तों फिंचेस का, जो एक बच्चा जो मर गया उस बार मैंने यार क्या रख दिया था। आपको नज़र आ रहे होंगे, खासी नहीं नज़र आ रहे होंगे। ये माशाल्लाह से बड़े हो गए, ये देखें आप, देखें दोस्तों हम आपको नज़र आ रहे होंगे। हाथ में ले नहीं सकता क्योंकि अभी ये पड़े हो तो हो गए, लेकिन नलिया से बाहर नहीं निकले तो इनको मैं हाथ में ले नहीं सकता। मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये देखे बहुत पसीना है। जो हमारे लगा है सुबह बाहर छोड़ेंगे, लेकिन अभी इनके पड़े। दोस्तों मौसम अच्छा हुआ है लेकिन पसीने आ रहे हैं क्योंकि हवा रुकी हुई है और हब्स हो रहा है। तो यही वीडियो दोस्तों बना रहे थे। और दोस्तों एक गुड न्यूज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है दोस्तों गुड न्यूज़ के, यहाँ पर मैंने आप शायद बताया भी आपको कि यहाँ पे पिंजरा बनेगा इस साइड, सारा सामान बाहर आएगा। और ये जो जगह खाली नज़र आ रही है यहाँ पर दीवार, मतलब ये दीवार बन जाएगी और उस साइड सामने ना एक सुराख डब्बा टाइप का बॉक्स जैसा सुराख होगा ताकि हवा आस पास हो। और बाकी ये पिंजरा बनेगा और इस पिंजरे में हम क्या रखेंगे, इसमें पिंजरे में हम रखेंगे मुर्गा मुर्गी, जो अच्छी अच्छी हम गोल मुर्गा मुर्गी हम वो रखेंगे, जैसे गोल्डन बग और सिल्की, ये चीज़ें हम इसमें पिंजरे में रखेंगे। और इस पिंजरे में हम नहीं रख सकते, आपको पता है कबूतर भी ऊपर से चूजे भी हैं, ऊपर से ये पिंजरे तो वो कितना गंदा पिंजरा हो रहा है। तो सफाई इंशाल्लाह मैं करूँगा उसको कल, लोग बहुत गर्मी है। तो एक चीज़ और जो इस साइड में, एक चीज़ और यहाँ इस साइड ना यहाँ पर और जाल लगेगा ताकि, और जाल में सुराख भी लगेगा, मतलब मैं आपको जाल इस साइड इस साइड मतलब ये जगह बंद हो जाएगी, कबूतर यहाँ नहीं आ सकते। तो ये बंद हो जाएगी, तो ये जगह कबूतरों की हो जाएगी। बाकी ये तो हम एक पिंजरा आएगा, वो पिंजरा यहाँ पे और ये पिंजरा रखा जाएगा। एक पिंजरे की हम सोचते हैं क्या जगह बनाएं, दोनों में से एक पिंजरा रखेंगे। आप बताइए कौन सा पिंजरा इन दोनों में से हम रखें। ये यहाँ पर इस साइड बंद हो गया, कबूतरों की वो जगह हो जाएगी। और ये क्योंकि कबूतर यहाँ पर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर भी बैठते हैं, ये हिलता है ऐसे करके तो फिर मसला होता है। देता हूँ मैं इसको, दोस्तों में दफना देता हूँ। ये फाइनली हमने चिड़िया के बच्चे को दफना दिया है और आते के साथ ही बैड न्यूज़ मिल गई है। तो क्या पता, ये दो तो माशाल्लाह से बच गए और एक मर गया, एक्सपायर हो गया। और गर्मी भी है और हफ्स टाइप का हो रहा है और अभी कुछ देर पहले बारिश भी हुई है, इससे मौसम तो बेहतर हो गया है लेकिन हफ्स हो रहा है क्या। और अभी और बारिश का बताया, और बारिश भी आएगी, मौसम बेहतर हो जाए अल्लाह करे, क्योंकि हमारे परिंदे भी परेशान होते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, अच्छी क्या आपको अच्छी भी नहीं लगी होगी
छोटी सी वीडियो है और उसमें एक बच्चा भी मर गया, बैड न्यूज़ भी मिल गई। तो अगर एक मतलब एक लाइक तो करना है, बट दबा दिएगा, लाइक कर दिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तारे लगाना तो भूल गया।